आदाब नाजरीन, वैशव गुलबरगा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। सुनार गली का रास्ता निहायत ही खस्ता, कोई पुरसानी हाल नहीं है। सुनार गली की सड़क को 3 साल पहले खोदा गया था। सड़क पर बड़ा गड्ढा बनाकर छोड़ दिया गया। 3 साल बाद वैसे ही गड्ढा मौजूद है। आम रास्ता होने की वजह से सभी लोगों का आना जाना रहता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि औरतें गड्ढे में गिरते गिरते बच गई, बस तो गिर भी गईं। इस गली में रहने वालों की शिकायत है कि आखिर इस रोड को क्यों खोदा गया। अगर किसी काम से खड्डा खोदा भी गया है तो उसे बनाकर रोड बराबर क्यों नहीं किया गया। आने जाने वालों को परेशानी होती है, लेकिन सरकारी अफसरान को इसकी फिक्र नहीं है। यहाँ के रहने वालों का मुतालिबा है कि सड़क की मरम्मत का काम जिस डिपार्टमेंट के तहत आता है, पब्लिक के सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उसे खोदे हुए सड़क को बराबर किया जाए। 3 साल से रोड बहुत खराब है, बार बार एक्सीडेंट हो रहे इधर। अब देखो क्या करना क्या नहीं। सर, मैं रोड की अपील करना चाह रहा हूँ। जो नबी कैफे से रोड या वही गली से रोड जा रही है, इतनी खराब है जिसकी कोई हद नहीं है। गए दिन शाकअब्जार सामान वगैरह बहुत कुछ हमारे खराब हो रहे हैं। और तो और ऐसा है, देखिए आलम, 10 से 15 मिनट यहाँ से निकलने के लिए होता है। कोई पेशेंट को लेकर देंगे तो पेशेंट ही ख़त्म होता है, ऐसी रोड है। लिहाजा आपसे अपील की जा रही है कि रोड का जो भी है काम जल्द से जल्द आप करवाइए। ये जो सुनार बाजार शराब बाजार के अंदर वही गली है जिसको 3 साल हुआ UGD के खोद के छेड़े हुए हैं, आज तक कई जने गिर के हाथा पैर टूट रहे हैं। आज तक कोई इसका तवज्जो देने वाला कोई नहीं है गुलबर्गा में। और औरतें गिर के हकीकत में गिरे हुए भी हैं, बताता हूँ तुमको सबूत के साथ में, कि भाई इतना खतरनाक रोड बन गई कि कोई पूछने वाला ना खोदे क्यों और छोड़े क्यों, ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ के हमारे ऑफिसर या इंजीनियर हैं या इंडिया में इंजीनियर हैं क्या, यहाँ के इंजीनियर ऐसे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हर काम अधूरा, कहीं भी रोड बनाते चंबरा खुले छोड़ के निकल जाते। अब ऐसी हालात था, खोद के छोड़ दिए पूरे रोड को, जो है ना पानी ठहर रहा, चिक्कड़ा में गिर रहे। आज 6 इंच 8 इंच के खड्डे पड़े हुए हैं, इसको कोई नहीं देख रहा। हमारे ये प्रशासन से गुलबर्गा के जिसको भी कंसर्ट आता है वो डिपार्टमेंट से अपील है कि ये रोड को बनाकर आने जाने वाले पब्लिक को फुटपाथ बनाकर इसकी सहूलत करने का हम अपील करते हैं।